दो पल क्या साथ में बिता लिए तुमने? तुम तो सपने देखने लगी ऋषभ लूथरा के, दी ऋषभ लूथरा के सपने। और तुम लोगों ने क्या वो प्राइज जीता था? कंपैटिबल कपल। उसके बाद द रिच गाय एंड प्रीता अरोड़ा। लेकिन एक बात याद रखना मिस प्रीता अरोड़ा, यू एंड माय ब्रदर नेवर। ओके, बोल दिया। अब मैं बोलू, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं इस तरह की लड़की हूं जो अपने मोटिव के लिए किसी भी लड़की को बेवजह बदनाम करेगी या फिर दूसरों की जानों से खिलवाड़ कर लेगी? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना करण लूथरा, तो तुमने मुझे कभी पहचाना ही नहीं। अगर अपना दिमाग नहीं लगा सकते तो कम से कम अपने दिल की बात तो सुनो। ठीक है, तुमने मुझे कितना कुछ सुना लिया, मैंने कुछ नहीं कहा ना। इन सब के बदले में करण मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो मुझे एक मौका दे दो, एक चांस दे दो ये प्रूव करने के लिए कि शर्लिन ऋषभ जी के लिए बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। अरे मैं कहीं ना कहीं ऋषभ जी के इस रिश्ते के लिए खुद को जिम्मेदार समझती हूं। नहीं प्रीता, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। ऋषभ ने शर्लिन को देखा, शर्लिन पसंद आ गई, दोनों ने सगाई कर ली, दैट्स इट। तुम मेरे घर से और मेरे घर वालों से दूर रहना, समझी? तो एक बात और प्रीता, मेरे भाई ऋषभ से दूर रहना। अगर तुमने उसकी लाइफ में ऐसा वैसा कुछ किया ना, तो ये दुश्मनी पर्सनल हो जाएगी और मैं खुद तुमसे बदला लूंगा। डू यू गेट इट? ये शादी तो मैं नहीं होने दूंगी और ना ही अपनी माँ को जेल में रहने दूंगी। करण मेरी बात सुनो, मेरी माँ की बेगुनाही और शालिन की गुनाही साबित करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। करण, मेरे लिए नहीं तो अपने भाई के लिए मेरी मदद करो। चलेगा? माय गॉड, अब मैं क्या करूंगी? अकेले ये लड़ाई कैसे लड़ूंगी? एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करता। बात सिर्फ मेरी नहीं है, ऋषभ जी को गलत शादी से बचाना है। प्रीता दी नहीं आई अभी तक? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं आई, लेकिन आ जाएगी। देख कप्पू, तू एक काम कर, मोहन को साथ में ले और घर जाके सो जा। दीदी आप कैसी बात कर रहे हो? आप लोग इतनी बड़ी मुसीबत में हो और मैं घर पे जाकर आराम से कैसे सो सकता हूँ? अरे ना, सोने से भी तो कोई समस्या हल नहीं हो जाने वाली, बैठे बैठे यहाँ क्या करेगा? देख बेटा, मुझे पता है तेरे पास कल का एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। अब रात को जाके सोएगा नहीं, आराम नहीं करेगा तो ऑर्डर कैसे पूरा होगा? और ऑर्डर नहीं पूरा होगा तो बेटा पैसे कैसे आएंगे? चार पैसे गांठ में नहीं होंगे तो बहन की मदद कैसे कर पाएगा? समझा कि नहीं? लेकिन बीजी, ओहो बड़ी हूँ, अकल की बात समझा रही हूँ, मान ले। और कितना मनवाना पड़ेगा? बीजी मेरा मन तो नहीं है, पर आप बोल रहे हो तो मैं जाता हूँ। जा, फिकर ना कर, हम फोन पे बताते रहेंगे तुझे कि क्या क्या हुआ। ठीक, ठीक है बेटा। दी हमें खबर करते रहना और कोई भी काम हो तो हमें फोन कर देना प्लीज। डोंट वरी। चलो बीजी। जी सर, जाओ। चलो, और घर पहुँच के फोन कर देना। हाँ, अरे सृष्टि। हाँ दादू। एक बात तो पता, ये शर्लिन जो है ये अपने घर गई होगी या कि ऋषभ के घर? और उसके घर का पता तुझे मालूम है क्या? नहीं दादी, मगर आप क्यों पूछ रहे हो? अरे अगर उसका घर का पता मालूम होता ना, तो मैं अपनी इसी चप्पल से उसका सर फोड़ के आती, उसको बताती कि किससे पाला पड़ा है तेरा। दादू एक मिनट, क्या हुआ? वो शर्लिन मिले कि नहीं मिली तुझे? दी उसने कुछ बोला? मुझे पता है, उसने कोई स्टूपिड सा बहाना बनाया होगा, है ना? ये बता उसने अपना गुनाह कबूल किया कि नहीं किया? क्या हुआ दी, आप इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? अरे बोल तो दी। अरे क्या हो गया दी को, ऐसे बिना कुछ बोले अंदर चली गई? बेटा फिक्र ना कर, हो सकता है उसके दिमाग में कुछ घबराहट हो रही हो, थोड़ा रेस्ट कर लेगी तो फिर बता देगी। हमें तो भगवान का शुक्रिया करना चाहिए ना, तो सही सलामत घर आ गई। हाँ दादू। गुड इवनिंग सर। गिरीश। सर ऋषभ कहाँ? वो राखी मैम के रूम में है। भाई को रहने दो मॉम के पास, मैं कल सुबह बात करूंगा ऋषभ से। रहने दे करण, वो प्रीता इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके लगाए बेकार के इल्जाम के बारे में भाई को बताकर उसे परेशान करूं। वैसे भी मॉम की वजह से वो कितना टेंशन में है,
चलिन अपनी हाथों से अपनी एंगेजमेंट खराब करेगी, अपने परिवार के साथ ऐसा करेगी। वाह प्रीता वाह, मैंने कहा था ना कि तुम्हें सिर्फ अपना मतलब दिखाई देता है, लेकिन मेरी बात मानो, चलिन जैसी शरीफ लड़की कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। बदतमीज, घमंडी, अकड़ू कहीं का, दो पैसे की अकल नहीं है उस लड़के में। अरे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो सुन लो ना। लेकिन नहीं, सुनना नहीं है, समझना नहीं है, पलट कर मुझ पर इल्जाम लगाना है, और वो भी कैसा इल्जाम, एकदम बेबुनियाद, बेसलेस, स्टूपिड। यहाँ पर मेरी फैमिली जानती है, हम सब जानते हैं कि शर्लिन मुझसे जलती है और उस वजह से उसने क्या क्या नहीं कर दिया। लेकिन नहीं, उसको ऐसा लगता है कि मैं शर्लिन से जलती हूँ। अरे मैं क्यों जलूंगी शर्लिन से, मुझे क्या लेना देना, ना मैं शर्लिन की तरह हूँ ना मैं उसके जैसा बनना चाहती हूँ, तो मुझे किस बात की जलन। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा दुनिया जा किस तरफ रही है। करीना जी कम थी, जब करण भी शुरू हो गया, सबको ये क्यों लगता है कि मैं ऋषभ जी के पीछे पड़ी हूं। मैं क्यों ऋषभ जी के पीछे पड़ी होगी, बेचारे ऋषभ जी को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। अगर मैं भाई को बता दूंगा कि प्रीता क्या करने की सोच रही है तो बहुत हर्ट हो जाएगा वो। आई एम श्योर प्रीता जरूरतमंद है, इसलिए भाई उसकी मदद करता है, उसे अपनी फ्रेंड बताता है ताकि उसे हेल्प लेने में कोई हेसिटेशन ना हो या उसे ऐसा ना लगे कि उस पर कोई एहसान किया जा रहा है। भाई का दिल सच में कितना बड़ा है, प्रीता की फालतू बकवास सुनकर मैं उसे स्ट्रेस नहीं दे सकता। मेरी गलती है, ये करण से बात ही नहीं करनी चाहिए थी। आज तक कभी उसने मेरी बात समझी जो अब मेरी बात समझेगा? मुझे ऋषभ जी से बात करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि शर्लिन की असलियत क्या है। मुझे पहले ही इस बारे में सोचना चाहिए था। अरे ये मैं क्या करने जा रही हूँ, राखी आंटी जी बेड रेस्ट पर हैं, ऋषभ जी तो पहले से ही बहुत परेशान है, अभी अगर शर्लिन के करतूतों के बारे में उन्हें बताऊंगी तो उन्हें तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। कोई बात नहीं, आज की रात जाने देती हूँ, पर कल जरूर बात करूंगी, और इस करण से तो मैं कभी बात नहीं करूंगी। गलती मेरी है, मुझे उस मेंटल लड़की से बात ही नहीं करनी चाहिए, कुछ भी बोलती रहती है, दिमाग का दही कर देती है इडियट। भाई क्या हुआ, तू सोया नहीं बेटा? नहीं भाई, मैं राखी चाची और महेश चाचा के साथ बैठा था, फिर ऋषभ भैया वहां पर आ गए और नर्स ज्यादा लोग अलाउ नहीं करी तो मैं यहाँ चला आया। आप कहीं गए थे क्या? हाँ मैं वो, तू सो जा। भाई ना जरूर प्रीता से ही मिलने गए होंगे, उसी से लड़ झगड़ के आए होंगे। सो सैड, कोई भी सृष्टि पिता की मदद नहीं कर रहा, लेकिन मेरे दिल तो यही कहता है कि वो दोनों लोग निर्दोष हैं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, यून ऋषभ भाई उनकी हेल्प नहीं कर सके, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। इंस्पेक्टर मुझे थोड़ी देर के लिए सरला अरोड़ा जी से मिलना है, इट्स लिटिल इंपॉर्टेंट, इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। मिस्टर लुथरा, जिस औरत ने आपकी सगाई के फंक्शन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उस औरत से मिलना चाहते हैं आप? देखिए वो जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, आई नो लोगों को तकलीफ हुई, पर इसमें जानबूझकर किसी ने भी कुछ नहीं किया, प्लीज इट्स अ हंबल रिक्वेस्ट, अगर आप मुझे थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने दे तो। कांस्टेबल, इनको सरला अरोड़ा से जाकर मिलवाओ। इंस्पेक्टर थैंक यू वेरी मच। नहीं जानती कि आपने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि आप मेरी मदद करना चाहते थे, वो फंक्शन के लिए हमारा हॉल आपने सिर्फ, हम भी आपका फंक्शन अच्छे से करना चाहते थे, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन पता नहीं शायद किसी की नजर लग गई, एक गलती हो गई किसी से और फिर सब कुछ गलत हो गया।
और इसीलिए शायद मैं जेल के इस तरफ खड़ी हूँ और आप वहां मेरे सामने। लाचार, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है कि सब कुछ चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ आपके लिए। मुझे दिल से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। मैं दुनिया देखी है मैंने, इंसान पहचानना आता है मुझे। जानती हूँ कि आपका दिल का दिल कितना अच्छा है। आप मेरी मदद नहीं कर पा रहे क्योंकि शायद कोई ऐसी वजह है जो इस मदद करने से भी ज्यादा बड़ी है, वो आपको रोक रही है। बस इतनी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या आप इस हालत में भी मेरे को समझ पा रहे हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कई बार हम लोग जो फैसले करते हैं ना, उसमें दूसरों के फैसले भी शामिल होते हैं। हम अकेले फैसला नहीं ले पाते। बस इतनी सी ही बात है। परिवार है ना, अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ। परिवार वैसे भी सबसे बढ़कर होता है। सच बोलूं तो मुझे तो इतनी खुशी है कि आपने बेटा मेरे बारे में सोचा। आप इतनी दूर चलकर आए मुझसे माफी मांगने के लिए। सच कहती हूँ, आपका दर्जा ना मेरे दिल में और ऊंचा हो गया। और अगर आपको इतना लगता है कि मेरी माफी देने से ही आपका दिल हल्का होगा, तो मैंने आपको माफ किया। परिवार में सब ठीक है कि नहीं? आप मैंने आपके पापा मम्मी दादी जी जो सब लोग ठीक है। बट वो मॉम थोड़ा डॉक्टर ने बोला है कि वो ठीक हो जाएंगे। भगवान का शुक्र है कि सब ठीक है। आपको ना आपको अपने परिवार के साथ होना चाहिए, उन्हें आपकी जरूरत है। तक आ तो गया लेकिन अंदर कैसे जाऊं? हिम्मत ही नहीं हो रही है। जो होगा देखा जाएगा। नहीं, क्या करूं? सृष्टि, तुम क्या कर रहे हो? वही खड़े रहना। आ रही हूं मैं। एक कदम और नहीं। लूथराज के इशारे पे नाचने वाले लट्टू, हाँ, हमारा तमाशा देखने आए हो यहाँ पे, या हम पर तरस खाकर झूठी हमदर्दी दिखाने आए हो? मैं जानता हूँ कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊंगा, फिर भी ये सोच कर आया हूँ कि क्या मैं तुम्हारी कोई भी। बस तुम तो रहने ही दो। लूथरा फैमिली के मेंबर हो ना तुम। अरे तुम अमीरजादे, हम मिडिल क्लास वालों की क्या हेल्प करेंगे यार? क्योंकि तुम लोगों को तो बस लगता है कि हम खिलौना है। जब मर्जी आए, जैसे मर्जी आए, यूज कर लिया अपने एंटरटेनमेंट के लिए। जैसे उस शर्लिन ने हमारे साथ खेल खेला है, बिल्कुल वैसे। शर्लिन? मैं कुछ समझा नहीं। तुम क्यों समझोगे? जाके उस शर्लिन से पूछो ना, वो समझा देगी तुम्हें। उसने अपनी खुद की एंगेजमेंट खराब करी। ये जो सब कल हुआ ना, ये सब उसका किया कराया है। वो तो चाहते ही थी कि हमारा फंक्शन फ्लॉप हो जाए, ताकि हमारा नाम बदनाम हो। क्यों, यकीन नहीं हो रहा है? तुम खुद ही सोचो ना कि कोई अमीर घर की लड़की ऐसा घटिया काम क्यों करेगी? खुद के एंटरटेनमेंट के लिए ना मन बहला ले उस क्रेजी औरत ने अपना, और अब तुम आया हो यहाँ पर, हाँ, टाइम पास के लिए। क्या करूं मैं, बोलो, कैसे मनोरंजन करूं तुम्हारा, हाँ, कैसे टाइम पास करूं मैं? मुझे बात बताओ समीर, अगर उसने ऐसा किया क्यों? उसको क्या मिल गया ये सब करके? I swear, अगर वो मेरे सामने आती ना आज, तो मैं उसको बताती कि मैं क्या चीज हूँ। सृष्टि, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो खड़े क्यों हो? जाओ ना यहाँ से। क्यों, मजाक बना के रखा है हमारा? अरे नहीं चाहिए तुम्हारी नकली सिंपति यार, नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। अरे सृष्टि, क्या कर रही हो तुम? अरे कार के सारे शीशे फोड़ दूंगी। जाओ यहाँ से। मेरे बाद जेल में मैं क्यों हूं जहां में
उस शोहर की वजह से मेरे बाबा जेल में। मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी, नई दुनिया बसा दी तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। जो मैं कहता जो सुनता जो सहता तेरे लिए, मैं गिरता संभालता फिर चलता तेरे लिए, तेरे लिए। I'm really sorry सृष्टि, मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो। And I feel completely helpless. ना तो मैं हौसला दे सकता हूँ, ना तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता मैं। बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले कल में तुम्हारे हालात बेहतर हो जाए। फिर दर्द शुरू हो गया। लगता है दादी को फिर से पैर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ? मेरी गर्लफ्रेंड के पैरों में दर्द हो रहा है? क्या करूं बॉयफ्रेंड, सगाई में इतनी देर खड़ी रही कि फिर से पैरों में दर्द शुरू हो गया। मेरी गर्लफ्रेंड के पैरों में दर्द? आई जस्ट डोंट लाइक इट। अभी भगा देता हूं। तू प्रैक्टिस पे जा रहा है? हाँ दादी, और आज खुद उठाऊं बिना किसी के कहे। ओ ऋषभ कल को लेकर थोड़ा परेशान था ना, तो सोचा खुद उठ जाता हूँ, खुद प्रैक्टिस पे जाता हूँ, खुश हो जाएगा। ये हुई ना बात। क्या हुआ? दर्द हो रहा पैर है भाई। दादी डरा दिया दादी। आराम से। हाँ आराम से करो। ठीक है? वो नहीं आएगी ना कल जो है उसकी वजह से। तू इधर आ बैठ, आजा। प्रीता के हाथों में जादू है और ये जादू अपने पन की वजह से जो उसके दिल में हमारे लिए है, अरे जरा सी कोशिश करती है और मेरे पैरों का दर्द गायब हो जाता है। ट्रीटमेंट तो छोड़, उसकी अच्छाई से ही मेरा दर्द चला जाता है। कितने डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन प्रीता ने ही मेरा दर्द गायब किया। कितनी अच्छी बच्ची है। अब क्या जिंदगी भर ये दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे, या फिर डॉक्टर होने के नाते वो आएगी? तुझे क्या लगता है करण, प्रीता आएगी ना? बोलना। तो मेरे घर से और मेरे घर वालों से दूर रहना, समझी? तो सर आपको राखी मैम बुला रही हैं। दादी मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। आजियो। ओके। करण तू आ क्या पुत्र, आजा आजा आजा। कैसे हो आप? कितने फिट लग रहे हो यार। हाँ आप भी बिल्कुल स्टाफ फाइटर हो मेरी तरह। ऐसे एक बात कहूँ, जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे ना कोई पैम्पर नहीं कर रहा, कोई मुझे अटेंशन नहीं दे रहा इस घर में। आज भी मैं खुद उठाऊँ कोई उठाने नहीं आया मुझे, और मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। इमेजिन मेरी स्टार इमेज का क्या होगा। आप जल्दी से ठीक हो जाओ, आई नीड पैम्परनेस। ओके। हाँ पुत्र तू चिंता ना कर, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी, फिर तुझे ढेर सारी पैम्परिंग करूंगी, ठीक है? That's like my mom. पुत्र एक बात तो बता, प्रीता कैसी है? वो ठीक तो है ना? लगता है मॉम सिर्फ प्रीता की माँ से नाराज है, तभी तो उनकी मदद करने के लिए भाई को रोका। लेकिन प्रीता को आज भी बहुत लाइक करती हैं, उसकी बहुत केयर करती हैं, इसलिए तो उसके बारे में बार बार पूछ रही हैं। पुत्र तू कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? प्रीता ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? बता। मैम आप प्लीज शांत रहिए, आपकी हालत नहीं है बात करने जैसी। मिस्टर करण इन्हें पूरे बेड रेस्ट की जरूरत है और ज्यादा ऐसा शो नहीं होना चाहिए। यू टेक केयर मॉम। करण मॉम प्रीता बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, आराम कीजिए।
सिस्टर। मैम प्लीज आप लेट जाइए, आपको आराम की जरूरत। मैम क्या हाल हो गया है मॉम का? और इसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ वो प्रीता जिम्मेदार है। समझ में नहीं आ रहा है कि माँ को जेल से बाहर कैसे निकालूं। जो कुछ भी ट्राई करती हूँ फेल हो जाता है। इस वक्त यही बात मेरी प्रायोरिटी है, लेकिन कुछ पता नहीं करूं तो क्या करूं। हेलो, हाय साइको, हाउ आर यू? चल एक बात बताओ, तुमने क्या जादू किया मेरे घर वालों पर? हाँ, मेरी मॉम भी तुम्हारे बारे में पूछती रहती है। दादी के पैर में दर्द हो रहा था, वो भी तुम्हें याद करे। ऐसा क्या जादू किया तुमने? मतलब दादी और राखी आंटी मुझे याद कर रही थी। मैं जानती थी वो मुझे गलत नहीं समझेंगे।